में होता है। तो हमारा कैंडिडेट पॉल ने कहा कि बुबाग्रा आप हमेशा हुकूत विषय में करता है, कर्मशाला के अंदर नहीं करता है, आपको एक बार तो आना पड़ेगा। मुझे इतना मालूम नहीं था कि आप लोग इतना बुरक लोग यहां में आएगा, भ्रू लोग आएगा। आप लोग यहां में आया है सच में, मैं बीमार हूं लेकिन आपको देखने के बाद दिल खुश हो गया, आप लोग इतना आया यहां में। सब नेता लोग अभी आने वाला है यहां में, बड़ा बड़ा नेता लोग आएगा, बीजेपी का नेता लोग आएगा, कांग्रेस का नेता लोग आएगा, यहां में प्रचार करेगा। लेकिन बुबाग्रा नेता नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि ये सब नेता बीजेपी का, कांग्रेस का भी आएगा एक दो, यहां में आके भाषण देगा, ए करतो होबे, चक्रांत करतो होबे, आंदोलन करतो होबे, ए होबे ना, ए चलबे ना, हमादर ये सब बोलते रहेगा। আপনি রেগা 340 টাকা পাবে, আপনি স্মার্টফোন গুরুই আমাদের মহিলা স্মার্টফোন পাওয়া যাবে, আপনার 10,323 চাকরি হয়ে যাবে, এই জায়গাতে ব্রিজ হবে, এই জায়গাতে রাস্তা হবে, এখানে হাসপাতাল হবে, সব ইয়ে বাত করেগা। বুবাগরা ইহানে আকে সিফ একই বাত বোল রা হ্যায় কি হাম ঝুট বোলে নেই আয়া হ্যায়, মে आपको आपका अधिकार देना, क्योंकि आप लोग हानि बसा है, आप लोग भूमि का पुत्र है, आप लोग यहाँ में हमारा बुरी लोग, आप लोगों का भविष्य है। बुबाग्रा यहाँ में बिना कॉम्प्रोमाइज करके कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन लेने आया है, एमएलए बनाने नहीं आया है, आप सबको पावर देने आया है, सबको अधिकार देने आया है। ये फाइट बुबाग्रा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये फाइट मेरा 14 लाख पिपरासा जो गांव में रहता है, जो गरीब है, जो भूखा है, उनका फाइट है। जो नेता लोग आके बोलेगा 340 टाका रहेगा, ये ब्रिज ये वो मोदी जी का सपना, इसको एक ही शब्द बोल सकता है, ये सब नेता लोग क्या करता है आपके साथ। 2018 इलेक्शन में आया, यहां का प्रार्थी बीजेपी से था, डीसी रंगहल था कि नहीं, कौन सा पार्टी से था, कांग्रेस। वो टाइम बोला मोदी जी सरकार आसबे। 2023 में कौन है प्रार्थी यहां में, डीसी रंगहल। अब बोल रहे हैं मोदी जी भालो ना, कांग्रेस पार्टी भालो। 2013 में कौन था कांग्रेस का प्रार्थी, डीसी रंगहल। वो टाइम बोला मोदी जी भालो ना, कांग्रेस आसबे। बीच में कहां गया, तृणमूल कांग्रेस। वो टाइम बोला डीसी रंगहल मोदी जी भालो ना, कांग्रेस भालो ना, মমতা ব্যানার্জী একদম বেশি ভালো। क्या बोलता है, ठकाए। ये नेता लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। अभी उस दिन अमित शाह ने बोला कि पिपरा मोथा सीपीएम और कांग्रेस के संग अंडरस्टैंडिंग किया है, त्रिपुरा मोथा को वोट डालने से सीपीएम और कांग्रेस को वोट डालना होगा। ये अमित शाह का भाषण कौन लिखता है भाई, त्रिपुरा मोथा कोई पार्टी का संग अलायंस नहीं किया। अमित शाह को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए, अलायंस हमने त्रिपुरा सा दोफा के साथ किया, अलायंस हमने तिपरासा के साथ किया,
और 2023 में 49 कर अच्छा मानो तो हंसो आप जीत रहे हैं पॉल 48 करम छरा से बीजेपी और सीपीएम का जमानत जब्त करके आप जीतेगा तीपरा मोथा पार्टी जीतेगा इसमें। दिल्ली बुलाया बुबाग्रा को हमार दिल्ली हमार दिल्ली देखी कोई इसे होनी আপনি যে চাই নিয়ে দেন নিয়ে নেন আপনি টাকা চাই ঠিক আছে আয়োজন হয়ে যাবে আপনি পদ চাই এমএলএ এমপি মন্ত্রী আপনি নিয়ে নেন আপনার যে ডিমান্ড আছে কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড ফর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এই বিষয়ে আপনি কথা বলেন না আমি বললো কেন বলে ঠিক আছে আমি আমি চেষ্টা করব আর আপনি রাইটিং এ ডিমান্ড করেন না আমি একই কথা বললো আরে বাবা আমার টিপ্রাসা উনি তো দেখতে চায় কি আপনি কি দেবেন আমার রাইটিং এ দিয়ে দাও লিখিত দিয়ে দাও আপনার কি আপত্তি আছে লিখিত দিয়ে দাও কি আমি আমাদের ইন্ডিজিনাস জনজাতির এই লাভ করব আপনি রাইটিং এ দিয়ে দাও আমি বিশ্বাস করব আপনি একদম মুখ দিয়ে বললে হয় না আপনার কেউ বিশ্বাস করে না এই আপনি বলেছিল এনসি দেব বর্মারে কিছু হয়েছে না আইপিএফটি কিছু হয়েছে না আপনি রাইটিংয়ে দিয়ে দাও আমি আমি বিচার করব আমার বলল না টাকা নিয়ে নেন মন্ত্রী হয়ে যান রাইটিংয়ে দেব না